जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है भाई आप लोग सब के? आई होप एवरीवन इज सो सो गुड। या दिस इज सिद्रा फ्रॉम सिर्स गाइड्सबुक वंस अगेन। चलें जी जल्दी जल्दी चलते हैं। आज आपको बर्लिन की बहुत ही ज़बरदस्त जगह की मैं सैर कराती हूँ और है जी वो पीकॉक आइलैंड। पीकॉक आइलैंड अगर आप लोगों ने प्लान किया है जाने का तो सिंपल सा वे ये है कि आपने यहाँ से लेनी है एस बान जो कि आपको सीधा लेके जाए वानजी। वानजी के रूट पे आप लोगों ने जाना है एस बान में बैठ के। वहाँ से जब आप वानजी पहुँच जाते हैं और तो वहाँ पर आपको जो है वानजी के ही स्टॉप पे आपको जो है एक बस लेनी होती है जो बस आपको पीकॉक आइलैंड तक लेकर जाती है, जो कि यूजली जो नंबर मैं आपको बस का भी एक्सप्लेन कर देती हूँ वो है 218 नंबर की बस। अच्छा वो बस काफ़ी गैप से आती है, लेकिन छुट्टी वाले दिन वो 20 मिनट्स के गैप से आती है, बट उससे भी ज़्यादा गैप से आती है अगर आप वर्किंग डे में जाते हैं तो समटाइम हाफ एन आवर और समटाइम एक एक घंटे के डिफरेंस से आती है। सो अपना प्लान मैनेज करके टाइम मैनेज करके वहाँ पे जाएं, टाइम देख के बस का पहुँचें वहाँ पे। और ये बस आपको डायरेक्ट लेके चली जाती है पीकॉक आइलैंड पे। मुश्किल से कोई 10 to 12 मिनट्स का डिस्टेंस है वानजी से पीकॉक आइलैंड का। वानजी बेसिकली बर्लिन में एक लेक एरिया है, जे ड्वेच में जो है वो लेक को कहते हैं। तो वो वानजी जो है वो बहुत बड़ी लेक है, ये पीकॉक आइलैंड भी उसी लेक का पार्ट है। तो यहाँ पे जब हम पहुँचते हैं इस पीकॉक आइलैंड पे तो यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे और वो ये होती है कि यहाँ पर आपको पीकॉक्स हर जगह वॉक करते हुए मिलेंगे। जब हम आइलैंड पे पहुँचते हैं तो आइलैंड पे आपको बस, पहले तो आपको बस उस स्टॉप तक लेके जाती है, लेकिन उस आइलैंड तक जाने के लिए आपने फेरी लेनी होती है। तो फेरी वहाँ पे जो स्टॉप है, फेरी का स्टॉप वहाँ पे ईज़िली आप जो है वो टिकट्स वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। मैं अपनी फैमिली के साथ गई थी तो फैमिली टिकट मुझे 12 यूरो का पड़ा था जो कि काफ़ी नॉमिनल है। वहाँ पे जो है वो आपका मेंबरशिप टिकट्स भी अवेलेबल हैं, अगर आप वो लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। 12 यूरो का मैंने फैमिली टिकट वहाँ से अवेलेबल लिया था, जो कि मशीन वहाँ पे लिखी हुई टिकट फार की, वहाँ से आप जो है वो अपना टिकट लीजिए, फेरी टिकट लीजिए और फेरी आपको मुश्किल से कोई 4 मिनट्स के अंदर आइलैंड तक पहुंचा देगी। ये फेरी वहाँ से आ रही होती है और लेके जा रही होती है लोगों को। लास्ट फेरी का जो टाइम होता है वो होता है 6 बजे लास्ट फेरी वहाँ से चलती है वापस आने के लिए। तो उससे पहले पहले अपना प्लान कर लेना होता है कि हमें वहाँ से वापस आ जाना है। और यहाँ देखें, यहाँ पे जो है वो फेरी हमारी आ गई। अच्छा यहाँ पे कुछ टाइमिंग्स भी इन्होंने बताई हुई है कि सर्दियों में ये कितने, नवंबर टू फरवरी कब खुलता है, मार्च में कब खुलता है और विंटर समर्स में कब खुलता है। तो बेस्ट जो टाइमिंग्स है वहाँ जाने का वो यही है कि आप वहाँ पर समर्स में जाएँ तो बहुत अच्छा भी लग रहा होता है। तो ये एक छोटा सा फेरी का ट्रिप होता है, बहुत ही छोटा सा, मुश्किल से 3 to 4 मिनट्स का ही वो डिस्टेंस होगा और फ़ौरन से हम लोग जो है वो आइलैंड पर वहाँ के पहुंच जाते हैं। वहाँ पे काफ़ी हिस्ट्री भी उसकी लगी हुई है और ये पीकॉक आइलैंड बहुत 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 बड़ा बना हुआ है जिसको हम लोग कवर नहीं कर सके थे क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम लोग वहाँ पे लेट पहुँचे थे और हमें बिल्कुल नहीं इस बात का आइडिया था कि 6 बजे वहाँ से जो है वो लास्ट फेरी आएगी। तो इसीलिए हमारे पास बहुत ही कम आवर्स थे पीकॉक आइलैंड को कवर करने के लिए। बट हमारे फ्रेंड्स पहले से वहाँ पर मौजूद थे जो उन्होंने उसको एक्सप्लोर किया था और वो बता रहे थे कि आगे जाके जो कासल है वो भी बड़ा प्यारा सा बना हुआ है, बहुत अच्छा है। अंदर जाना अभी अलाउ नहीं है, कुछ काम वगैरह वहाँ पर हो रहा है, लेकिन बट वो भी बहुत प्यारा सा बना हुआ है। ओके, जैसे ही आप पीकॉक आइलैंड के अंदर एंटर हो जाते हैं तो वहाँ पे आप चलते फिरते हर जगह बहुत ही प्यारे प्यारे एकदम रॉयल किस्म के जो है ना वो पीकॉक्स देखेंगे। बड़े बड़े पीकॉक्स इतने खूबसूरत खूबसूरत वो लग रहे होते हैं हर जगह वहाँ पर डिफरेंट, मतलब और वो इतने कोई आपसे इतने फ्रेंडली हैं, ह्यूमन फ्रेंडली हैं, वो लोग डर के भाग भी नहीं रहे होते हैं। शायद उन लोगों को आदत हो गई है कि लोग उनके पास आ रहे होते हैं और उनको बड़ा देख रहे होते हैं, तो वहाँ से आके सब लोग उनको देख रहे होते हैं, वो भागते भागते बिल्कुल भी नहीं है। आप उन्हें आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं, चलते फिरते रहेंगे वो, चलते फिरते आपको नज़र आते रहेंगे। और अच्छा इस पीकॉक आइलैंड की काफ़ी पुरानी हिस्ट्री है ये, काफ़ी ये फ़िलहाल ये एक प्राइवेट जो है वो अथॉरिटी है किसी की, जिन्होंने उसको मतलब अलाउ किया हुआ है, लोग वहाँ पर आते हैं उसको देखते हैं। ये काफ़ी 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 ज़्यादा पुराना है और यहाँ पे जो कासल बना हुआ है वो भी काफ़ी ज़्यादा पुराना है। एक्चुअल मैं आपको, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि एक्चुअल इसकी जो है वो एयर जानने के लिए, तो मैं आप लोगों को ज़रूर इसका फीडबैक दूंगी कि कौन कौन से एयर्स में किस कब का ये है, कितना पुराना है। तो मुझे आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर आप इसको जानने में इंटरेस्टेड हैं, देन आई विल आंसर यू ज़रूर। ओके, यहाँ पर अगेन आप ये देखें कि कितनी खूबसूरत
खूबसूरत जो है वो अल्लाह की कुदरत है, इतना हसीन पीकॉक, इसके जो कलर्स होते हैं वो इतने अच्छे लग रहे होते हैं। अच्छा, और यूजुअली हम समर्स में जब यहाँ पे जाते हैं तो धूप की जो इस पर जो रोशनी पड़ रही होती है उससे जो इसके कलर्स और खिल खिल के आ रहे होते हैं वो बहुत अच्छा लगता है। बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं क्योंकि ये यूजुअली इतना ख़तरनाक नहीं होता पीकॉक के, मतलब लाइक मैं जैसे कि बता रही हूँ ये बहुत ज़्यादा ह्यूमन फ्रेंडली है, तो आपके साथ साथ जहाँ जहाँ आप जा रहे होते हैं ना वहाँ वहाँ ये घूम रहे होते हैं, आप उनसे वहाँ पे पिक्चराइज मतलब उनकी पिक्चर्स बनाएं उनके साथ, मतलब जो भी आप मतलब लाइक उनके साथ खड़े रहें तो मतलब डर नहीं लगता। और जब ये अपने विंग्स अपने जो ये पर ओपन करते हैं, ओ माई गॉड, वो तो बहुत ही खूबसूरत मंज़र होता है उस वक्त। लेकिन ये है कि ये कभी कभी होता है, और फॉर्चुनेटली हम लोगों को जो है वो लकीली हम लोगों को ये मंज़र देखने को मिल गया था। बट उससे पहले हमारे कुछ फ्रेंड्स गए थे तो उन लोगों ने ये पीकॉक डांस नहीं देखा था, बट हम लोगों ने ये पीकॉक डांस जो है वो एक्सपीरियंस वहाँ पे किया और काफ़ी दफ़ा किया। इस दफ़ा जब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अभी हम जब इस एरिया में पहुँचे थे वहाँ पर भी एक पीकॉक खड़ा हुआ था और उसने देखते के साथ ही अपने सारे विंग्स ना ओपन कर दिए थे, और जितने भी वहाँ पे जो लोग थे तो वो सब बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए और मतलब लाइक क्लैप शुरू कर दिए थे सब ने, और उस पर भी क्लैपिंग पर भी उसने अपने जो है वो विंग्स बंद नहीं किए। तो ये देखें कितनी प्यारी सी ये वॉक करता हुआ जा रहा है यहाँ पे। आपको इस तरीके से बहुत बड़ा ये आइलैंड है, बहुत बड़ी ग्रीनरी है, कहीं पर आपको ट्रीज के ऊपर तीन चार जो है वो पीकॉक खड़े हुए नज़र आ जाएंगे, और कहीं आपको जो है वो ग्रास पे चलते हुए नज़र आ रहे होंगे, कहीं आपको वो कहीं फ्लावर्स के पास खड़े हुए नज़र आ जाएंगे। मतलब ये फ्रीली वहाँ पे जो है ना मूव कर रहे होते हैं। एक छोटा सा यहाँ पे ट्यूलिप का गार्डन सा बना हुआ था, बहुत प्यारे प्यारे ट्यूलिप्स थे वहाँ पे, और वहाँ पर भी हमने जो है वो एक पीकॉक को देखा, वो वहाँ पर इतना प्यारा लग रहा था क्योंकि बहुत सारे फ्लावर्स के बीच में जो है वो एक पीकॉक वहाँ पे मौजूद था, और उस पीकॉक ने हम लोगों को बहुत इंटरटेन किया, उसने हमें अपने पूरे विंग्स ओपन करके दिखाए। मैं बता रही हूँ कि लकीली हम लोगों को ये चांस मिल गया, वरना हर किसी को नहीं मिलता। ये देखें कितना खूबसूरत, इतना और इतना रॉयल, इतना बड़ा, इतना अच्छा जो है वो पीकॉक है। अच्छा, यहाँ पर जाकर ख्याल रखिएगा, बच्चों को भी बताइए, मतलब लाइक उनको रोक के रखिएगा, कुछ खाने पीने की चीज़ पीकॉक्स को वहाँ पे नहीं देनी क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं है कि हम उन्हें कुछ जो है वो फीडिंग दें, उनकी अपनी डिफरेंट फीड होती है तो वो देना नहीं चाहिए। आई होप आप लोगों को ये मेरी पीकॉक आइलैंड की जो है वो एक छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। आप लोग कभी प्लान करें पीकॉक आइलैंड जाना तो ज़रूर वहाँ पर जाएँ, मेरी आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी, और बच्चों के साथ जाएं, बहुत यादगार और बहुत ही ज़बरदस्त आप लोगों का एक्सपीरियंस रहेगा। बर्लिन में ये एक बहुत ही मशहूर जगह है, वांजी से थोड़ा सा आगे ये आपको एक इंजल मिलेगा, इंजल आइलैंड मिलेगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, अपनी दुआ में बहुत 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 याद रखिएगा। कमेंट्स में अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। और यहाँ पर हमारे 6 बजने वाले थे और हम लोगों ने बोला बस 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 पीकॉक अब हमें नहीं देखना, हमारी जो है वो फेरी आ गई है। ओके, बाय बाय, चूस।